में एक तरफ चुनाव आने में अब महज 6 महीने का समय बचा है और हर ओर सड़कों की तेजी से मरम्मत की जा रही है, लेकिन बात करें राजधानी की तो यहाँ आज भी अधिकतर हिस्सों में सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। आए दिन हो रहे हादसों में प्रशासन की नींद से जगाने की कोशिश ये सड़कें कर रही हैं, लेकिन लगता है कि प्रशासन की नींद तभी खुलेगी जब इन क्षतिग्रस्त सड़कों के चलते किसी की मौत हो चुकी होगी। एवन टीवी संवाददाता ने मंगलवार को जब इलाके की सड़कों का जायजा लिया तो ये प्रशासन और स्थानीय नेताओं की उदासीनता के चलते आंसू बहाते हुए नजर आए। हरमाड़ा में दिखा तो सिर्फ टूटी फूटी सड़कों का जाल, फैला गंदा पानी और गंदे पानी पर भिनभिनाते मक्खी और मच्छर, जो कि स्थानीय लोगों के लिए कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इसको लेकर के शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन हमेशा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जिसके बाद अब लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज है कि आखिर ऐसे जनप्रतिनिधि ही क्यों चुने जो कि समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। लेकिन अब वो भविष्य में वादा करके वादा खिलाफी करने वाले जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं, जो कि एक अच्छी राजनीति की शुरुआत भी हो सकती है, इसे शुभ संकेत समझा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वही सड़कें हैं जिनकी मरम्मत के लिए, जिनकी दुरुस्ती का वादा करके जनप्रतिनिधि सत्ता में आए, सत्ता में काबिज हुए, 4 सालों तक सत्ता की मलाई खाई और उसके बाद सड़कों का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है।